अगर आप लोगों की फाइवर की गिग के सर्च टैग, जिन्हें फाइवर की गिग के पॉजिटिव कीवर्ड्स फॉर फाइवर भी बोला जाता है, अगर आप लोगों की फाइवर की गिग के सर्च टैग में प्रॉब्लम आ रहा है और वो हल नहीं हो रहे, तो इस वीडियो में आपको मैं यही सिखाऊंगा कि आप लोगों की फाइवर की गिग के सर्च टैग में जो प्रॉब्लम आता है वो आता क्यों है, उसका मतलब क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, अच्छे से सर्च टैग कैसे लगाए जाते हैं ताकि आपकी फाइवर की गिग अच्छे से रैंक कर सके और उसको कोई भी कभी भी परेशानी ना आए, आपकी गिग अच्छे से रैंक करे, आपको ऑर्डर्स मिले और आप अच्छा सा पैसा कमा सकें। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाता है। सबसे पहले जैसे ही आप लोग अपनी फाइवर की गिग को एडिट करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी ब्राउजर पर हो या आपके लैपटॉप पर, तो यहाँ से आने के बाद आप लोगों ने सीधा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर एक सेशन होता है जिसे बोलते हैं सर्च टैग या फिर पॉजिटिव कीवर्ड्स या फिर फाइवर के टैग्स वगैरह बोला जाता है। अब देखें, अगर यहाँ पर आप इसको खाली छोड़ेंगे, यहाँ से सेव करेंगे, तो ये देखें प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम को समझते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है टैग लिस्ट मस्ट कंटेन एट लास्ट वन टैग। इसका मतलब है कि ये जो सेशन है इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, कम से कम इसमें एक टैग होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 होने चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर और लेटर यानी कि ABCD और गिनती 1, 2, 3, इसके अलावा भी कुछ लिखेंगे तो भी एरर ही आएगा। चलें मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं जैसा कि YouTube लिखते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर YouTube लिख देते हैं, ठीक है। अब YouTube लिखा, अब यहाँ पर आप माउस छोड़ देते हैं, अब ये भी गलत है। हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे ही लिख देते हैं YouTube लिखा और यहाँ से माउस छोड़ा और यहाँ से सेव करते हैं, फिर यही वाली प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये टैग नहीं बना। टैग बनाने के लिए आपको यहाँ तो डॉट दबाना पड़ेगा, जो कॉलम होता है ना आपके लैपटॉप पे, एम के राइट, एम जो लिखा ना NM, इसके राइट साइड पर जो डॉट के साथ होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये नुक्ता आ जाएगा। लेकिन अगर नुक्ता आपके नहीं आ रहा मानो, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने, अगर इसको टैग बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने अपने कीबोर्ड पर इंटर का बटन प्रेस करना है। ये देखें यूट्यूब टैग बन गया, इंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब अगर आप लोगों के इंटर का बटन भी चला तो फिर मैं आपको बता दूँ आप लोगों ने उसके अलावा सजेशंस को कैसे काम में लेना है। सजेशंस को काम लेने के लिए आपने सबसे पहले YouTube लिखा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दें, या YouTube अकाउंट लेना चाहते हैं तो वो इनमें से कोई भी लेना चाहते हैं। जैसे कि हम YouTube का टैग लेना चाहते हैं, हम करेंगे YouTube, ये देखें टैग लग गया, तो बस ठीक है। लेकिन इनमें अगर नंबर के अलावा कुछ यूज़ करेंगे, जैसा कि मैं 3 और इसके साथ मैं हैश लगा देता हूँ, यहाँ पे हैश टैग या कुछ ऐसा, पहली बात तो ये आएगा नहीं। अगर डॉट वगैरह आ गया तो फिर आपका प्रॉब्लम बनेगा, तो आप लोगों ने ये याद रखना। अब हम लोगों ने करना है इसे सेव, तो उम्मीद करते हैं सेव हो जाएगा, देखते हैं होता है कि नहीं। देखा आपने, सेव हो गया। अब हम लोग प्राइसिंग में आ गए। अब हम चलते हैं दोबारा ओवरव्यू में, और आप लोगों ने कोशिश करनी है यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 5 है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है ये 5 के 5 ही देने। क्यों? क्योंकि इनसे आपकी गिग रैंक होती है। आप तो ऑर्डर लेना चाहते हैं ना फाइवर पर, तो ऑर्डर लेने के लिए, गिग को रैंक करवाने के लिए आप लोगों ने सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, बल्कि यहाँ पर 5-7 कीवर्ड देने। अब देखें ये YouTube मैंने ऐसे ही लिखा आपको समझाने के लिए, हालांकि मेरी ये गिग डाटा एंट्री है, तो मैं यहाँ पर डाटा एंट्री, मेरा एक टैग बन गया डाटा एंट्री, एक टैग बन गया ना, यहाँ से एक्सेल डाटा एंट्री दूसरा टैग बन गया, यहाँ से डाटा एंट्री और PDF, यहाँ फिर PDF टू एक्सेल डाटा एंट्री तीसरा टैग बन गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने टैग बनाने हैं। और यहाँ पर आकर के अब मैं आपको बता भी देता हूँ, हम डाटा लिखते हैं तो वो देखें हमें कह रहा है डाटा एंट्री आ गया, डाटा एंट्री माइनिंग आ गया, डाटा एंट्री एक लगा देते हैं। अब यहाँ पर TYPING टाइपिंग लिखेंगे तो ये देखें उसने यहाँ पर कर दिया टाइपिंग, दूसरा टैग आ गया। इसी तरीके से सर्च टैग आप लोगों ने 5 देने हैं, फिर इसको करना है सेव। और दूसरे सेशन पर अब हम लोग गए हैं प्राइसिंग का, तो प्राइसिंग को सेट करना है। हाँ, अगर आप लोगों के प्राइसिंग में कोई मसला आ रहा है और अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि फाइवर पर प्राइसिंग कैसे सेट की जाती है, तो आप लोगों के सामने जो वाली वीडियो आ रही है ना, इसके ऊपर क्लिक करें।